हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, जडेजा को आईसीसी ने किया सस्पेंड, नहीं खेलेंगे तीसरा टेस्ट। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारत के स्टार लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की वजह से जडेजा को अगले टेस्ट से निलंबित किया गया है। दरअसल कोलंबो टेस्ट समेत पिछले 24 महीने में जडेजा के खिलाफ डिमेरिट पॉइंट्स 6 तक पहुंच गया था, जिसके बाद आईसीसी ने जडेजा के खिलाफ यह एक्शन लिया। जडेजा को आईसीसी की धारा 2.2.8 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इस धारा का मतलब यह है कि अनुचित या खतरनाक तरीके से किसी भी खिलाड़ी, खिलाड़ी के समर्थक, अंपायर या मैच रेफरी की ओर गेंद या कोई अन्य उपकरण जैसे पानी की बोतल आदि फेंकना गलत है। दरअसल यह वाक्य तब हुआ जब श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलने उतरी तो उनकी पारी के 58वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करके क्रीज पर मौजूद श्रीलंकाई बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने पर अनावश्यक थ्रो कर दिया, जबकि बल्लेबाज ने रन लेने का प्रयास भी नहीं किया था। मैदान पर मौजूद ऑन फील्ड अंपायरों ने माना कि जडेजा का वह थ्रो बल्लेबाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, जिसके बाद जडेजा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, दी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।